नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। कालापीपल के ग्राम भैसाया नागिन में श्राद्ध पक्ष में पितरों की शांति हेतु आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। भागवत कथा में भगवान के जन्मोत्सव को लेकर मंच को फूलों की माला और गुब्बारों से विशेष रूप से सजावट की गई। इस विशेष दिन को लेकर श्रद्धालुओं की अच्छी भीड़ रही। कथावाचक पंडित सचिदानंद महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा सुनाते हुए कहा कि बाल गोपाल का जन्म देवकी और वासुदेव के आठवें संतान के रूप में हुआ था। देवकी और वासुदेव का अर्थ समझाते हुए कहा कि देवकी यानी जो देवताओं की होकर जीवन जीती है और वासुदेव का अर्थ है जिसमें देव तत्व का वास हो। ऐसे व्यक्ति अगर विपरीत परिस्थितियों की बेड़ियों में भी क्यों न जकड़े हो, भगवान को खोजने के लिए उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ता है, बल्कि भगवान स्वयं आकर उसकी सारी बेड़ी हटकड़ी को काट कर उसे संसार सागर से मुक्त करा दिया करते हैं। वहीं पंडित सच्चिदानंद महाराज ने कहा कि हर मनुष्य के जीवन में 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और अहंकार। जब हमारे अंदर के ये 6 शत्रु समाप्त हो जाते हैं तो 7वें संतान के रूप में श्रेष्ठ जी को काल के प्रतीक हैं, जो काल फिर मनुष्य के जीवन में आना भी चाहे तो भगवान अपने योग माया से उस काल का रास्ता बदल देते हैं। कथा के अंत में भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारी गई और मक्खन मिश्री का प्रसाद वितरण किया गया। कालापीपल से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।